हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टोटल 6 अपडेट देखने वाले हैं, जिसमें कुछ अपडेट आपके न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग है और कुछ अपडेट आपकी जो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग चल रही है उसके रिगार्डिंग है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि GDC की भर्ती लगातार आ रही है, और उसके अलावा जो रेलवे ग्रुप डी का ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो भी साथ में चल रहा है। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि ज्वाइनिंग का कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको जितने भी पिछले 1 से 2 दिन में नोटिस आए हैं वो सारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला जो अपडेट है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से है, 4/8/2023 की डेट का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रोविजनल पार्ट पैनल यहाँ पर जारी हुआ है, और ईस्टर्न रेलवे की तरफ से लगातार पैनल आ रहे हैं। इस वाले पैनल की बात करें तो टोटल 52 कैंडिडेट्स को इस पैनल में जगह मिली है। और इस पैनल में जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मेडिकल कैटेगरी और कौन सी पोस्ट आपको मिली है वो बताया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे की तो कुछ ही सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं। उसके बाद सेकेंड डिवी का प्रोसेस, मतलब कि जो नॉर्मल वाली सीट है वो खत्म होने के बाद सेकेंड डिवी का प्रोसेस यहाँ से चलेगा। तो यहाँ पे जो बाउंड्री मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी थोड़ी सी अच्छी खबर है। उसके बाद हमारा जो दूसरा अपडेट है ये भी पैनल के रिगार्डिंग ये है। फाइनली यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से पार्ट पैनल 5 यहाँ पे जारी हो चुका है, और इससे पहले 4 पैनल आ चुके थे। इस पैनल की अगर मैं बात करूँ टोटल 86 कैंडिडेट को इस पैनल में जगह मिली है, और अब टोटल 5 पैनल आने के बाद अगर बात करें तो 8,237 कैंडिडेट को अभी तक पैनल में जगह मिल चुकी है। अगर इसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज माइनस करते हैं तो लगभग 878 वैकेंसी अभी भी यहाँ पे वैकेंट है। तो नो डाउट कि यहाँ पे पार्ट पैनल 6 भी आएगा, हो सकता है 7 भी आ जाए, और उसके बाद सेकंड डिवी का प्रोसेस यहाँ से चलेगा। तो सेंट्रल रेलवे मुंबई वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पार्ट पैनल 5 जारी हो चुका है। इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CCA कैंडिडेट, PWBD भी हैं यहाँ पे, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी हैं। तो इस तरह से पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, टेलीग्राम में सारे PDF आपको मेरे मिल जाए। उसके बाद जो अगला अपडेट है ये हमारा ईस्टर्न रेलवे की तरफ से है, और जैसे कि रेलवे में गलती होना आम बात है, तो यहां पे 2/8/2023 को एक नोटिस इन्होंने जारी किया ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। देखो, इन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट 1/2019 वाज हेल्ड फ्रॉम 24/2 से 16/3 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। अ नोटिस हैज बीन पब्लिश ऑन RRC वेबसाइट ऑन 1/8/2023 टू कॉल देम फॉर रीचेक बायोमेट्रिक ऑफ 94 कैंडिडेट। इनका कहना है कि 1/8 को हमने जो एक नोटिस जारी किया था जिसमें 94 कैंडिडेट को बायोमेट्रिक मिसमैच के लिए बुलाया गया था, मतलब उनका बायोमेट्रिक मिसमैच था तो रीचेकिंग के लिए उनको बुलाया गया था। तो इन्होंने बोला कि नाउ 6 कैंडिडेट्स आर बींग एडेड इन द लिस्ट ऑफ बायोमेट्रिक, यानी कि 6 कैंडिडेट जिनका नाम पहले लिस्ट में नहीं था उसमें अब एड किया गया है। हुज नेम वर नॉट मैंशन इन द फर्स्ट लिस्ट ड्यू टू क्लैरिकल एरर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्लैरिकल एरर होने के कारण ये 6 कैंडिडेट, इनका नाम पहले उस लिस्ट में नहीं था, अब इनको भी यहाँ पे रीचेकिंग के लिए आना है। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ के साथ इनको बुलाया गया है, और 11/8/2023 को इनको रिपोर्ट करना है। तो इस तरह के एरर होना रेलवे की वैकेंसी में आम बात है, और इवन ये तो बहुत छोटा एरर है, स्टूडेंट को ज्वाइनिंग मिलने के बाद भी उनको बाहर किया जाता है रेलवे में, ऐसा भी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा अपडेट। अब चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। उसके बाद जो अगला अपडेट है ये हमारा नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से है। 3/8/2023 की डेट में नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से एक नोटिस यहाँ पे पब्लिश किया गया है, और स्पेशली जो स्टूडेंट रेलवे में कार्यरत है उनके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है जो GDC में अप्लाई करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वैकेंसीज के बारे में तो आपको पता ही है कि GDC की वैकेंसी नॉर्दर्न रेलवे में पहले ही आ चुकी थी। यहाँ पे बोला गया, इट इज़ फर्दर एडवाइज दैट एज पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर दिस MCF रायबरेली हैज़ बीन क्लब्ड टू नॉर्थ ईस्टर्न जोनल रेलवे फॉर GDC एग्जामिनेशन। देखो, जो आपका MCF रायबरेली वाला जो एरिया है, जो जोन है, वो यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे में काउंट नहीं होगा, तो वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो नॉर्दर्न रेलवे में अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में फॉर GDC एग्जामिनेशन। एज सच सर्विंग रेगुलर एलिजिबल एम्प्लॉयज ऑफ MCF रायबरेली आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट नोटिफिकेशन दिस ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। दोज एम्प्लॉय ऑफ रायबरेली हु हैव अप्लाइड टिल डेट अगेंस्ट अबव सेड नोटिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे विल ऑल्सो नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाले स्टूडेंट नॉर्दर्न रेलवे में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपको गोरखपुर जोन में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है आपका, ये आपका गोरखपुर जोन है, इसी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, नॉर्दर्न रेलवे में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है GDC में अप्लाई करने से पहले, ये भी आपको जान लेना होगा।
अगला जो अपडेट है ये हमारा जेडीसी की वैकेंसी को लेकर है, और फाइनली यहाँ पे 12th जोन की तरफ से जो जेडीसी की वैकेंसी है वो जारी हो चुकी है। और ये जोन है आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों जो है 2023 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है, इन्होंने बताया है टाइम ऑफ क्लोजिंग, और 3/8/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसी आप देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के 588 पद हैं, बाकी टेक्नीशियन के आप देख सकते हैं 14/5/2/2/38/18, तो टेक्नीशियन और जेई के पद यहाँ पे भी कमी है। लोको पायलट की वैकेंसी थोड़ा ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रही है, टोटल यहाँ पे इन्होंने बताया 713 पदों पर वैकेंसी आई है। ट्रेन मैनेजर के पद यहाँ पे नहीं आए हैं, सिर्फ जेई टेक्नीशियन और आपका एएलपी के पदों पर ही वैकेंसी आई है हुबली जोन की तरफ से। ठीक है, अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ लेना, 2 साल की सर्विस यहाँ पे वैसे नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी आपको जो है फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना होगा। तो फाइनली 12th जोन की तरफ से भी जीडीसी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। और अगला और लास्ट हमारा जो अपडेट है ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से है, 3/8/2023 की डेट में यहाँ से भी जीडीसी की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। ओपनिंग डेट 4 तारीख बताई गई है, 3/9 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करते हैं तो लोको पायलट के टोटल 241 पद हैं, बाकी टेक्नीशियन के जो पद हैं वो टोटल आप देख सकते हैं, उसके अलावा जेई के पद भी कोई खास नहीं है। ट्रेन मैनेजर की बात करें टोटल 45 पोस्ट हैं। अब इसको मिला के टोटल 13 जोन की तरफ से जीडीसी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, जिसमें सबसे पहले बिलासपुर, नंबर 2 रांची, नंबर 3 कोलकाता, नंबर 4 सिकंदराबाद, नंबर 5 चंडीगढ़, नंबर 6 चेन्नई, नंबर 7 गोरखपुर, नंबर 8 मुंबई, नंबर 9 मुंबई सेंट्रल रेलवे, नंबर 10 भोपाल, नंबर 11 जयपुर, नंबर 12 हुबली और नंबर 13 प्रयागराज। ठीक है, 13 जोन की तरफ से जीडीसी की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ओपन मार्केट की वैकेंसी का कोई भी नोटिस जानकारी नहीं है। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।